आपने देखा होगा 17 में हमारी सरकार बनी, मैंने पहला ऑर्डर पास किया। सबसे पहला ऑर्डर था, मैंने कहा था गौ माता की रक्षा होगी, हर हाल में रक्षा होगी, और हमने इल्लीगल स्लॉटर हाउसेस सब बंद करवा दिए। इसके बाद गोवंश बढ़ा, पहले तो घर घर से चोरी करके गाय और भैंस लेके चले जाते थे, अब किसी की हिम्मत नहीं कोई गाय भैंस किसी के यहां खोल करके लेके चली जाए। बहनों और भाइयों, अब हमने फिर व्यवस्था की, हम निराश्रित गौ आश्रय स्थल चलाएंगे। 11 लाख गोवंश इस समय सरकार उसका भरण पोषण कर रही है, और आने वाले समय में इसका विस्तार भी सरकार करने जा रही है। मैं आपको आश्वस्त करता हूं, कृष्ण कन्हैया के धाम में, उनके देश में, राम और कृष्ण के देश में गौ हत्या को हम कतई नहीं होने देंगे, कतई नहीं होने देंगे। और गौ हत्यारों को किसी भी दिशा में आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं करने देंगे। और इसीलिए मैं आया हूं आपसे कहने के लिए कि बहनों और भाइयों, हमारे पूर्वज, हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति गाय को तो मानती है, सर्वे देवा स्थिता देहे सर्वदेव मही ही गो, यानी गौ सभी देवी देवताओं को गौ माता में हम मानते हैं। और तब ये कांग्रेस के लोग, सपा के लोग क्या पाप करने जा रहे हैं, इनसे कुछ उम्मीद करते हैं क्या? ये सुरक्षा नहीं दे सकते, ये आपको सम्मान नहीं दे सकते, ये लोग देश के विकास नहीं करा सकते, ये भ्रष्टाचार को नियंत्रित नहीं करा सकते, अन्नदाता किसानों का सम्मान नहीं कर सकते, नौजवान को रोजगार नहीं दे सकते, आपकी आस्था का भी सम्मान नहीं कर सकते। और उल्टे आज क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि पिछड़ी जाति को मिलने वाले 27% आरक्षण को अब ये काट करके मुसलमानों को देना चाहते हैं। क्या आपको स्वीकार है क्या? अपना हिस्सा उनको देंगे क्या?